इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है कि सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर जैनाचार्य कहते हैं कि भले तुम्हारा सम्यक दर्शन निर्दोष है, तुम सच्चे देव सास गुरु के उपासक हो, अहिंसा धर्म के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हो और जो सम्यक दर्शन के 8 गुण कहे हैं वह गुणों का भी निर्दोष पालन करते हैं और आप अपने आप को अब समझने लगे हैं कि हम जैन सम्यक दृष्टि हो चुके हैं और अगर कहीं से अहंकार की बू आती है तुम्हारे अंदर से तो सम्यक दर्शन मलिन होने लगता है। जैसे ज्ञान का मद, अपनी ख्याति लाभ पूजा का मद कि मेरे समान कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे समान कोई व्यक्ति प्रवचन नहीं कर सकता, मैं बहुत ज्ञानवान हूं, कहीं से भी किसी भी ग्रंथ की बात मुझसे पूछ लो मैं बता दूं, उसमें अगर अहंकार की दुर्गंध आ रही है, मद आ रहा है, घमंड आ रहा है तो जैनाचार्य कहते हैं कि आपका सम्यक दर्शन मलिन हो गया, मैला हो गया और वह सम्यक दर्शन आपसे दूर खिसक जाएगा। जैसे जब किसी दोस्त के साथ हम कुछ अहंकार की बातें कर देते हैं तो वह दोस्त भी हमसे अंतरंग घृणा तो करने ही लगता, सोचता है कि जब देखो जब अपनी तारीफ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं, मैं ऐसा, मेरी मम्मी ऐसी, मेरा भाई ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, केवल मैं करता रहता है और जब दूसरा कहता है तो कहता मुझे टाइम हो गया मैं जा रहा हूं। कुछ महिलाओं की ऐसी आदत होती है कि 4 महिलाओं के बीच में वो अपने परिवार की बातें बहुत बड़ा चढ़ा करके बताएंगी और है उतना कुछ भी नहीं और बताएंगे इतना कि उनसे बड़ा उनका ज्ञानी और कोई दुनिया में है ही नहीं उनके लड़के के समान, ऐसा अहंकार से भर के बताएंगे और जब दूसरा कुछ कहने का प्रयास करेगा तो कहेंगे अब हम जा रहे हैं, टाइम हो गया, देखो अभी बच्चे भी घर पे हैं और वो पप्पू के पापा भी आने वाले हैं दुकान से तो सभी आ जाएंगे, अब हम जा रहे हैं, ठीक है अब कल मिलेंगे और फिर वो अपना दांव फेंकती है, फिर अपने घर की तारीफ करती चली जाती है, मेरा बेटा इतने नंबर लेकर के आया, मेरा ये करके आया। तो जैनाचार्य कहते हैं ये ज्ञान का मद हो गया है, पूजा का मद, हमारी बहुत इज्जत है, जहां हम जाते हैं वहां हमें सम्मान मिलता है, बहुत सारे लोग हमें गिफ्ट में आइटम देते हैं, सम्मान होता है, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है और ये सारे पूजा प्रतिष्ठा लोग लौकिक सम्मान ये सब गर्व करना ये पूजा का मत है। अपन बहुत व्यसत व्याख्या इनकी एक हफ्ते से सुन रहे हैं, हम तो मात्र एक थोड़ा सा संकेत पुनः दे रहे हैं, कुलम कुल मेरे पिता का वंश, पिता के वंश को कुल कहते हैं और मां के वंश को जाति कहते हैं, इनका मत करना हमने बहुत विस्तार से पहले बताया है। बल कल परसों ही बल के बारे में हमने 1 घंटे कि अपनी ताकत का अहंकार करना और बड़े बड़े अहंकारी भूलभूलित हो गए किसका बल रहा है, रावण जैसे बलशाली भी भूलभूलित हो गए क्योंकि जहां मद आ जाता है
वहां दम घुटने लगता है। उस व्यक्ति से लोग नफरत करने लगते हैं, उस व्यक्ति से लोग घृणा करने लगते हैं, उस व्यक्ति से लोग मिलना ही नहीं चाहते। अगर वो आ भी जाता है एक ऊपर से उससे बातचीत करके उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते, विचार करते हैं इस व्यक्ति का तो केवल अहंकार ही टकराता है। ये मद में इतना फूल जाता है कि सामने वाले को समझता नहीं कि कौन मेरे साथ है, कौन है, क्या है। विगत दिनों से चल रही है चर्चा, सहदेव ने पानी लाने की जब गए तो छुआ पानी तो उन्होंने को भी मूर्छित कर दिया गया, नकुल गए तो नकुल को भी कर दिया गया, अर्जुन गए तो अर्जुन को भी कर दिया गया मूर्छित। भीम कहते हैं मुझसे बलवान कौन हो सकता है दुनिया में, मैं देखूंगा। क्योंकि भीम के पास ताकत तो थी, मगर जब उनके भाई दुर्योधन ने उनका निमंत्रण किया और खीर में जहर मिला दिया, नशा मिला दिया, और वैष्णो दर्शन के अनुसार जंजीरों से बांध करके उन्हें अधोलोक में फेंक दिया। वैष्णो दर्शन के अनुसार पृथ्वी को शेष नाग के ऊपर आधारित है, जैन दर्शन के अनुसार पृथ्वी तीन बात वलय के ऊपर आधारित है, तनु बात वलय, घन बात वलय आदि जो तीन बात वलय हैं, 20-20 योजन मोटे ये घूम रही है पूरी वायु, उसके ऊपर ये तीन लोग आधारित है। तो वैष्णो दर्शन के अनुसार जब भीम भैया को अधोलोक में फेंक दिया और जब वहां गए और शेष नागों ने जब उन्हें डसा तो उनका जहर उतरने लगा, और जब जहर उतरने लगा तो भीम की मूर्छा कम होने लगी, और भीम ने अपनी अंगड़ाई लेकर के जंजीरों को तोड़ दिया। शेष नागों ने पूछा तुम कौन हो, उन्होंने कहा मैं पांडु पुत्र हूं। अच्छा यहां कैसे आए तुम, बोले मैं अपने भाई की बदौलत, मेरे भाई दुर्योधन ने मुझे खीर में जहर मिला करके यहां भेजा, अब मेरा जहर उतर रहा है क्योंकि लोहा लोहा को काटता है, जहर जहर को खींचता है, और शेष नागों ने उनका जहर खींच लिया। तब नाग कुमार जाति के देव वहां जो शेष नाग हैं, उन्होंने कहा भीम ये कुंड भरे पड़े हैं अमृत के, तुम चाहो जितने कटोरे अमृत पी सकते हो, एक कटोरे में सात हाथी का बल है, सात हाथी का बल। और भीम खीर खा के गए थे, प्यासे तो थे ही, तो उन्होंने 10 कटोरे ये सात कटोरे जो भी जितना आता है और वो पी गए, और एक पात्र में 10 हाथी का बल था, 70 हाथी का बल लेकर के भीम आ गए और कहते कहां है दुर्योधन। अब उन्होंने कौरव वंश का विनाश कर दिया। वो भीम इतने बलशाली भीम जब पानी पीने के लिए गए, अब उत्तर नहीं दे पाए तो उनको भी आदर्श शक्ति ने फेंक दिया जहां अर्जुन पड़े थे। अब यहां धर्मराज प्यास 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 चिल्ला रहे हैं, मां कुंती कहती है बेटा शांति रखो, पानी बहुत दुर्लभ है गंगो जंगल में, देखो हमने सहदेव को भेजा, नकुल को भेजा, अर्जुन को भेजा, भीम को भी भेजा, मगर वो कोई अभी तक लौट करके नहीं आए, न जाने उनके जीवन में क्या घटा है। पंच परमेश्वरी का स्मरण करो धर्मराज। धर्मराज कहते हैं क्या हमारे चारों भाई पानी की खोज में गए हैं, माँ और अभी तक लौट करके नहीं आई,
हाँ ऐसा ही है, तो चलो हम भी चलते हैं। माँ कहती है धर्मराज तुम्हारे पैरों में ताकत नहीं है, तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं है, तुम कई दिनों से पानी की इच्छा कर रहे हो, तुम्हें पानी की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए तुम यहीं विश्राम करो। नहीं माँ, मेरे चार भाई कहाँ चले गए, मैं क्या जवाब दूंगा माँ माद्री को। माद्री जब पूछे कि धर्मराज तुम्हारे साथ में, तुम्हारे विश्वास के साथ मैंने अपने दो बेटों को भेजा था, अब वो कहां चले गए। माँ तेरा तो कम से कम एक बेटा है, इसलिए माँ उनकी खोज करना बहुत जरूरी है। माँ और माँ कुंती का सहारा लेकर धर्मराज उसी ओर चलते हैं जहां शीतल पवन जिस तरफ से आ रही थी। शीतल पवन आ रही थी, तब धीरे धीरे चलते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, फिर चलते हैं। बहुत समय के बाद उस सरोवर के नजदीक पहुंचते हैं। शीतल पवन उनके शरीर को जब बड़ी तेजी से स्पर्श करती हैं, तो धर्मराज कहते हैं माँ ऐसा लगता है सरोवर बहुत नजदीक है, अब मुझे शांति भी महसूस हो रही है, शांति भी मुझे मिल रही है, शांति भी मुझे मिल रही है। हाँ अच्छा लग रहा है, और चलते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो देखते बहुत स्वच्छ स्वच्छ जल से भरा एक सरोवर जिसमें कल्लोले उठ रही हैं, कल कल करके उसमें आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल स्वच्छ है पानी। और धर्मराज तो कई दिनों से प्यासे थे, वो चाहते हैं उसे पीना, वो चाहते हैं उसे पीना, मगर आवाज आती है सावधान, पानी छूने का प्रयास मत करना, अगर तुम पानी छूओगे तो तुम्हारी भी वही दशा कर दी जाएगी जो तुम्हारे चार भाइयों की है। धर्मराज कहते हैं कौन हो तुम, क्या चाहते हो। धर्मराज आप एक नैतिक और धर्म पुरुष माने जाते हैं, तुम्हारे भाई बहुत अहंकारी थे, उन्हें अपने बल का बड़ा अहंकार था, अपने शस्त्रों का बड़ा अहंकार था, और वो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, तो मैंने उन्हें मूर्छित कर दिया है। अगर तुम इन चारों प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो तो दो, ये समुन्दर यानी ये सरोवर ये तालाब हम तुम्हारे नाम सदा के लिए कर देंगे, हम इसके रक्षक बनकर के यहां रह रहे हैं, इसका खूब पानी का प्रयोग करना, उपयोग करना, खूब पीना पिलाना, मगर जब तक मेरे चार प्रश्नों के उत्तर जो भी देगा उसे ये समुन्दर यानी ये तालाब उसके नाम से कर दिया जाएगा। धर्मराज पूछते हैं हे आदर्श शक्ति बताओ तुम्हारे प्रश्न क्या है। तब वह आदर्श शक्ति हंसती है, कहीं तुम भी अपने भाइयों जैसे तो नहीं करोगे। नहीं बताओ तुम अपने प्रश्न क्या है तुम्हारे। पहला प्रश्न जो सहदेव को दिया था कि बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं, बताओ धर्मराज इसका राज क्या है। तब धर्मराज बहुत शांत भाव से कहते हैं हे आदर्श शक्ति सुनो, आने वाले समय में
यानी जो पंचम काल आगे आएगा, उस पंचम काल में बड़े बड़े उच्च घराने के लोग, सज्जन लोग, सीलवती नारियां, जिनकी कुल परंपरा में अपार धन वैभव था, गुणवान थे, चारित्रवान थे, विवेकवान थे, सब चीजों से ओतप्रोत थे, उनके चरित्र में पतन आएगा, उनके कुलों में शराबखोरी, जुआ, जक्कड़, सप्त विष्णु का साम्राज्य बढ़ेगा, दुराचारी होंगे, दूसरों की मां बेटियों को बुरी दृष्टि से देखेंगे, खाने पीने में अभक्षता बढ़ेगी, मांस खाएंगे, शराब अंडे का सेवन करेंगे, ऐसी बाजार की अभक्ष वस्तुएं खाएंगे जिनमें मांस मिला हुआ है, अनेक अनेक प्रकार की चीज का सेवन करेंगे, ज्ञान से भी पतित होंगे, चरित्र से भी पतित होंगे, और यहां वहां जहां तहां माँ मत पूछो कहां कहां वो अपना मस्तक झुकाएंगे। सच्चे जैन धर्म के कुल में जन्म लेकर के भी मिथ्या की ओर जाएंगे, पाप की ओर जाएंगे, अत्याचार अनीति में जाएंगे। जो बड़े बड़े उच्च घराने के लोग थे, उनके परिवार के लोग दुराचारी होंगे, पापी होंगे, बिसनी होंगे, और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कम अमीर हैं, वो चरित्रवान होंगे, गुणवान होंगे, विवेकवान होंगे, अभक्ष से बचने का प्रयास करेंगे, विष्णु से दूर होंगे, सदा अहिंसा का पालन करने में अग्रसर होंगे, जीवन में अच्छाइयों को ग्रहण करेंगे, बुराइयों को निष्कासित करेंगे। इसका अर्थ यही है कि जो बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे हैं, वो पतन की ओर जा रहे हैं, जो भी अच्छे लोग थे वो पतन की ओर जा रहे हैं, और जो छोटे लोग थे, कम अमीर थे, कम ज्ञानी थे, वो विवेकवान होकर के ऊपर की ओर जा रहे हैं, वो अपने चरित्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे छोटे लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर गद्दियों पे बैठेंगे, शासन करेंगे। इसका ये अर्थ है। वह आदर्श शक्ति आनंद से भर जाती है। वाह, क्या आपने जवाब दिया, मुझे स्वीकार। दूसरा प्रश्न, एक कुएं पर 20 व्यक्ति पानी खींच रहे हैं और एक प्यासे व्यक्ति को पानी नहीं पिला पा रहे। आदर्श शक्ति पूछती है, धर्मराज क्या इसका अर्थ बताने की कृपा करेंगे? तब धर्मराज कहेंगे, हाँ सुनो, हमारे अभी के जमाने में एक व्यक्ति कमाता है और 20 व्यक्ति बहुत शांति से खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, और इतना बचा लेते हैं कि बड़े बड़े जिनालयों के निर्माण करा देते हैं, बड़े बड़े अनाथालयों को, हॉस्पिटलों को, विद्यालयों को, गरीबों की सेवा करने में, सहयोग करने में अपने धन को लगा देते हैं, इतना कमा लेते हैं, और इतने परिवार का परिवारिश करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, अड़ोस पड़ोस में और भी लोगों को जरूरत पड़ती है, उनका भी सहयोग करते चले जाते हैं। मगर आने वाले समय में घर के जितने लोग कमाएंगे, फिर भी कड़की बनी रहेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव, कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।